एक अज्ञात सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को ट्रॉल करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। संघ कार्यकर्ता ईश्वर जिंदल ने पंचकूला में शिकायत की थी, जिसके आधार पर सेक्टर 10 पुलिस थाने में एक्शन 153 ए, 153 बी, 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि ईश्वर जिंदल ने पंचकूला थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि मोहन भागवत के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक नया संविधान लिखा है जो हिंदू धर्म पर आधारित है। ईश्वर जिंदल ने कहा कि व्हाट्सएप पर यह झूठा संदेश फैलाया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस व्हाट्सएप मैसेज में यह भ्रम फैलाया गया कि देश में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह मैसेज संघ को बदनाम करने के मकसद से लिखा गया है। इस मैसेज में संघ प्रमुख मोहन भागवत की फोटो लगाई गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस तरह के मैसेज का मतलब संघ को बदनाम करना है। इस शख्स ने कहा है कि ऐसा करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाए। ईश्वर जिंदल ने कहा है कि देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को तुरंत विफल किया जाना चाहिए। पंचकूला के सेक्टर 10 के स्टेशन इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह का एक मैसेज वायरल हो रहा था। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।